तो हेलो दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप सब कैसे हो नीचे कमेंट करके बता सकते हो। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं दिखाऊंगा कैसे बाइबिट अकाउंट में मतलब बाइबिट एक्सचेंज में कैसे अकाउंट बनाना पड़ता है, इसके रिगार्डिंग आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को जो करना पड़ेगा वो है बाइबिट एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसका लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करो, वहाँ से आप इसको आसानी से इंस्टॉल कर सकते हो। लिंक में जैसे टच करोगे प्ले स्टोर ओपन हो जाएगा, प्ले स्टोर से इस एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो देख सकते हो यहाँ पर मैंने ऐप को ओपन कर लिया। ऐप को ओपन करने के बाद यहाँ पर मेरा सामने ऑप्शन है लॉगिन नाउ, पहले राइट साइड कॉर्नर में जो है लॉगिन नाउ, उसके बाद है क्रिएट बाइबिट अकाउंट। तो न्यू अकाउंट बनाने के लिए सिंपली आपको यहाँ पर इस वाले सेक्शन में रहना पड़ेगा, साइन अप वाले सेक्शन में आपको रहना जरूरी है। तो सिंपली जैसे आप पहली बार ऐप को ओपन करोगे तो शायद आपके सामने इस तरीके से एक पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, जीमेल आईडी जो होता है आपका, जो जीमेल आईडी ईमेल आईडी होता है, ईमेल आईडी की जगह यहाँ पर ईमेल आईडी डालना पड़ेगा, उसके बाद पासवर्ड सेलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पर रेफरल कोड भी मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, उस रेफरल कोड को यहाँ पर आप डाल सकते हो। तो आपको भी कुछ $10 का कुछ बोनस आपको मिल सकते हैं। मैं देख सकते हो ईमेल वाले सेक्शन में हूँ अभी, ठीक है। तो ईमेल से अगर लॉगिन करना चाहता हूँ, साइनअप करना चाहता हूँ, तो सिंपली यहाँ पर ईमेल से साइनअप कर सकता हूँ। तो यहाँ पर ईमेल से साइनअप करने के लिए सिंपली ईमेल आईडी डालना पड़ेगा, पासवर्ड डालना पड़ेगा, रेफर कोड डालना पड़ेगा, और यहाँ पर जो बॉक्स दिखाई दे रहा है इस बॉक्स में आपको टिक करना पड़ेगा। इस बॉक्स में टिक जैसे करोगे उसके बाद यहाँ पर साइनअप वाले सेक्शन में आपको क्लिक करना पड़ेगा, तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो कुछ इस प्रोसेस से आप आपका अकाउंट को क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद अगर आप मोबाइल नंबर से अकाउंट को बनाना चाहते हो तो सिंपली यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, पासवर्ड चूज करना पड़ेगा, मेथड सेम ही जीमेल आईडी के जगह में आपको मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, उसके बाद साइन अप में क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद मोबाइल नंबर में ओटीपी वगैरह आता है, जीमेल में भी ओटीपी आएगा, उस जीमेल को वेरीफाई भी करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर और एक ऑप्शन है, यहाँ पर और गो विथ गूगल, तो सिंपली यहाँ पर डायरेक्ट गूगल के साथ आप लॉगिन करना चाहते हो तो लॉगिन कर सकते हो, साइनअप करना चाहते हो तो साइनअप कर सकते हो, ठीक है। तो सिंपली गूगल में गूगल के साथ अगर साइनअप करना चाहते हो तो सिंपली यहाँ पर गूगल में क्लिक करना पड़ेगा। गूगल में जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर लोडिंग लेगा, लोडिंग लेने के बाद आपके सामने जितने भी जीमेल आईडी है यहाँ पर ओपन हो जाएगा। जीमेल आईडी ओपन होने के बाद सिंपली किसी भी जीमेल आईडी को सिलेक्ट करोगे तो डायरेक्ट आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, कोई पासवर्ड वगैरह सेट करने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो सिंपली मेरा यहाँ पर पहले से अकाउंट बना हुआ है तो सिंपली यहाँ पर मैं लॉगिन कर लूंगा। लॉगिन करने के लिए सिंपली यहाँ पर लॉगिन नाउ में क्लिक करूंगा। लॉगिन नाउ में क्लिक करने के बाद यहाँ पर अगर मैं मेल के थ्रू लॉगिन किया है तो सिंपली यहाँ पर मेल आईडी डालना पड़ेगा, पासवर्ड डालना पड़ेगा और लॉगिन में क्लिक करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर मोबाइल नंबर में मैं लॉगिन किया है तो सिंपली यहाँ पर मोबाइल नंबर के थ्रू मैं लॉगिन करना चाहूँगा, तो मोबाइल नंबर यहाँ पर डालूंगा, मोबाइल नंबर डालने के बाद सिंपली यहाँ पर पासवर्ड डालूंगा, पासवर्ड डालने के बाद सिंपली साइन अप सॉरी लॉगिन नाउ में क्लिक करूंगा। तो लॉगिन करने के बाद ही मिलते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पर मैंने पासवर्ड डाल दिया, उसके बाद यहाँ पर इंटेलिजेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, तो सिंपली यहाँ पर वेरिफिकेशन हो जाने के बाद यहाँ पर क्लीन टिक आ जाएगा, उसके बाद मेरा जो अकाउंट है यहाँ पर सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएगा। तो मेरे को कुछ देर तक वेट करना पड़ेगा। तो देख सकते हो यहाँ पर मेरे सामने कुछ इस तरीके से एक कैप्चा आया है, इस तरीके से कैप्चा नहीं आता है लेकिन आ गया है, तो कैप्चा को फिल करना पड़ेगा। कैप्चा को फिल करने के लिए सिंपली यहाँ पर इसको राइट साइड में स्क्रॉल करना पड़ेगा। तो देख सकते हो यहाँ पर मैंने राइट साइड में स्क्रॉल कर दिया, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो सक्सेस हो गया है और मेरा अकाउंट में यहाँ पर मैं लॉगिन हो चुका हूँ। लॉगिन होने के बाद सबसे पहले आपके सामने अगर इस तरीके से इंटरफेस ओपन हो जाए तो सिंपली आपको यहाँ पर दो चीज़ करना पड़ेगा। आपका अकाउंट अभी भी रेडी नहीं हुआ है, आपका अकाउंट तो क्रिएट हो गया है सक्सेसफुली, अगर जीमेल के थ्रू क्रिएट किया है वो, तो सिंपली आपको जीमेल में जाना पड़ेगा, वेरिफिकेशन कोड मिलेगा या फिर वेरिफिकेशन लिंक मिलेगा, उस वेरिफिकेशन लिंक में क्लिक करके अकाउंट को वेरीफाई करना पड़ेगा। अकाउंट क्रिएट सक्सेसफुली हो गया है, यहाँ पर आप दो चीज़ करना पड़ेगा, क्या क्या चीज़ करना पड़ेगा इसके रिलेटेड आज बात करेंगे, क्या क्या करना पड़ेगा इसके रिगार्डिंग बात करेंगे। तो सिंपली देख सकते हो यहाँ पर मेरा अकाउंट सक्सेसफुली लॉगिन हो गया है। तो सिंपली यहाँ पर मैं मोबाइल नंबर से यहाँ पर अकाउंट को लॉगिन किया है, उसके बाद यहाँ पर नीचे जो है एक यू आई डी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो सिंपली इस आईडी के थ्रू मैं किसी भी मतलब एक्सचेंज से मैं पेमेंट यहाँ से ले सकता हूँ, किसी भी मतलब कॉइन से, मतलब मेरा को किसी भी ऐप से कॉइन को रिसीव करना है तो सिंपली इस यूआईडी को मैं यूज़ कर सकता हूँ कॉइन रिसीव करने के टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर और एक चीज़ करना पड़ेगा, और दो चीज़ करना पड़ेगा, वो क्या है, तो सिंपली यहाँ पर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करना सबसे मस्ट
इंपॉर्टेंट है। तो सिंपली यहाँ पर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में क्लिक करूंगा। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में क्लिक करने के बाद देख सकते हो यहाँ पर मेरा जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है यहाँ पर मैंने करके रखा है। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में आपको पहले LV1 यहाँ पर LV1 को आपको पहले कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके बाद जैसे ही LV1 वेरीफाइड हो जाएगा उसके बाद आपको क्रिएट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको करना पड़ेगा LV2 अगर वेरीफाई सक्सेसफुली हो जाएगा तो आपका अकाउंट बिल्कुल रेडी हो गया है। तो सिंपली यहाँ पर देख सकते हो LV1 को वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर क्या क्या आईडी लगते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, इसके रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। जैसे ही यहाँ पर LV1 में वेरीफाई ऑप्शन में क्लिक करोगे तो आपके सामने जैसे कि पैन कार्ड होता है, वोटर कार्ड होता है, आधार कार्ड होता है तो किसी भी आईडी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपका एक सेल्फी लगता है बस, और कुछ भी नहीं लगता है। उस डॉक्यूमेंट्स का दोनों तरफ का फोटो, अगर आधार कार्ड लिया है आधार कार्ड का बैक साइड एंड फ्रंट साइड का फोटो आपको अपलोड करना पड़ेगा। पैन कार्ड का भी फ्रंट साइड एंड बैक साइड का फोटो यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद आपका एक सेल्फी यहाँ पर ज़रूरत है, आपका एक सेल्फी यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद LV2 में आ जाता है। LV2 में प्रूफ ऑफ एड्रेस, आपका जो एड्रेस प्रूफ है ना, POA जिसको कहते हैं, ठीक है, यहाँ पर प्रूफ ऑफ एड्रेस, आपका जो एड्रेस प्रूफ है यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया है और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है, लेकिन मैंने जो अपलोड किया है, मैंने यहाँ पर मेरा जो बैंक का जो स्टेटमेंट होता है, स्टेटमेंट को यहाँ पर अपलोड किया है। तो मेरा बैंक का स्टेटमेंट अपलोड करने के बाद यहाँ पर जो मेरा एड्रेस है, यहाँ पर एड्रेस प्रूफ है, यहाँ पर वेरीफाई हो गया है, यहाँ पर ग्रीन टिक हो गया है, यहाँ पर वेरीफाइड लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है मेरा अकाउंट वेरीफाई हो गया है। तो अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको ये दो चीज़ करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस अकाउंट में, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो KYC, इसको बोलता है KYC कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पर इस अकाउंट में मैं किसी भी ऐप से पेमेंट, किसी भी ऐप से कॉइन में यहाँ पर रिसीव कर सकता हूँ, सेल कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से यहाँ पर बायबिट एक्सचेंज में आप आपका अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। इस वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके बता सकते हो। अगर इस वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और आपके फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूले। और एक बात, आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास से रहना, बेल बटन को भी ऑन करके रखो ताकि हम जब भी इस चैनल में वीडियो अपलोड करें तब सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कोई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।